दिस इज स्वाति और आप देख रहे हो स्वाति रज का लाइफस्टाइल। बहुत दिन के बाद फिर मैं लेके आई हूँ बहुत ही अच्छा वीडियो। थंबनेल देख के तो आपको बहुत ज्यादा फनी लगा होगा कि मैंने इस टॉपिक में वीडियो बनाया है, पर इस टॉपिक में हर कोई बात करना नहीं चाहता है, पर मैं चाहती हूँ कि इस टॉपिक में मैं एक वीडियो बनाऊँ, तो इसलिए ये टॉपिक लेके मैं वीडियो लेके आपके साथ आ गई हूँ। तो दोस्तों आपको पता है लोग जब ड्रिंक करते हैं यानी कि शराब पीते हैं ना, तो लोग जो शराब पीते हैं उनका एक्ट देख के बहुत ज्यादा जो लोग होते हैं वो फन करते हैं, फनी मोमेंट क्रिएट करते हैं, पर उन लोगों के घर पर कितना असर होता है और कितना खराब होता है जिनके घर के लोग मतलब शराब के ऊपर में बहुत ज्यादा वक्त खराब करते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा कोई जो है घर पर कोई एक या फिर दो लोग है ऐसा होता है कि शराब बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, तो उनकी वजह से क्या होता है कि बच्चा लोग जो है वो लोग को बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि जब आप शराब पीते हो तो आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो तो खराब होता है, दूसरी बात है कि आप क्या बात कर रहे हो आपको खुद को होश नहीं है, तीसरी बात ये है कि थर्ड सेकंड पर्सन जिसके साथ आप बात कर रहे हो वो आपको पसंद नहीं करता है, फोर्थ ये है कि आपको घर पर कभी शांति नहीं होता है। तो इस टॉपिक में इसलिए बात करने वाली हूँ मैं क्योंकि मैंने खुद पर्सनली ये मैंने देखा कि मेरे खुद के दोस्तों के घर पर देखा है कि उनके फादर अगर शराब पीते हैं तो फिर घर पर झगड़ा हमेशा झगड़ा करते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वो अपने पेरेंट्स के जो आदत है उसको ठीक करना चाहते हैं पर वो नहीं कर पाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो खुद ही कंज्यूम करना नहीं चाहते हैं फिर भी उनको ऐसा आदत हो जाता है, वो बहुत एडिक्टेड हो जाते हैं कि उनको पीना पड़ता है। तो ना मैं सोच रही थी कि मैंने इसके ऊपर में बहुत ज़्यादा सर्च किया है, तो फाइनली जो है मुझे रिजल्ट मिल चुका है कि अगर आप शराब छोड़ना चाहते हो या फिर आप चाहते हो कि आपके पेरेंट्स हो उनको आप शराब जो है छुड़ाना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा। बहुत ही सिंपल ट्रिक है ना, सिर्फ आपको बात समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ऐसा एक घरेलू नुस्खे मैं लेके आई हूँ ना, बहुत ही अच्छा होता है अगर आप ये मेरे टिप्स फॉलो करोगे ना। तो एक तो सबसे पहले आप जो है अंदर से स्ट्रांग होना पड़ेगा, आपका माइंड को स्ट्रांग करना पड़ेगा कि मुझे जब शराब पीने का मन होगा कि मुझे ये करना है, या फिर मेरे पेरेंट्स अगर शराब पीना चाहते हैं तो मुझे उनको अंदर से स्ट्रांग बनाना है और उनको उसी टाइम पर ये चीज देना है जो टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ। तो दोस्तों मैं क्या टिप्स बताने वाली हूँ ये मैं आपको करके दिखाऊंगी, क्योंकि ये जो चीज़ है ना बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है इसके ऊपर में और मुझे यही चीज़ बार बार मिला है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें ना गर्ल्स टॉक नहीं करते, कोई भी लड़की इस बारे में बात नहीं करते, तो मैंने सोचा मैं इसी टॉपिक में वीडियो बनाऊंगी, ताकि ना क्योंकि जो चीज़ मैंने बचपन से बहुत लोगों के घर पर देखा है ना कि अगर इस वीडियो से किसी के भी घर बचता है मेरे लिए बहुत अच्छा बात रहेगा, और मैं यही चाहती हूँ कि ऐसा, और स्पेशली मैंने देखा है ना बहुत लोग जो होते हैं ना गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं जस्ट उन लोगों के इस आदत की वजह से जो होता है ना बहुत कुछ वो खो देते हैं कि घर पर शांति नहीं रहता है, तो इस वजह से ना ये जो वीडियो है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदे होने वाला है। तो कौन सा मैं टिप्स फॉलो करती हूँ चलिए मैं दिखाती हूँ। तो दोस्तों इस नुस्खे को बनाने के लिए एक अदरक लेना है आपको, और आपको चाहिए होगा नमक, काला नमक, तो मैंने भी यहाँ पर एक काला नमक लिया हुआ है, तो ये गोटा है, आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हो या फिर आप इसे जो है चाकू से भी जो पाउडर बना सकते हो। तो किस तरह से करना है मैं आपको सारा प्रोसेस दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने अदरक लिया है, इसको अच्छी तरीके से कवर सारा निकाल लूँगी इसका। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे मैंने अदरक क्यों लिया है, अदरक में बहुत ज़्यादा जो है सल्फर होता है जो आप जब कंज्यूम करते हो तो आपका जो सलाइवा में मिक्स होकर वो ब्लड में जाता है, और ब्लड के थ्रू आपका भी जितना भी गंदगी आदत है जो जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो ना, तो उसे कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसी वजह से जो होता है अदरक जो होता है काफ़ी अच्छा होता है। तो यहाँ पर ना अदरक इस तरह से साफ़ करके धो के इस तरह से मैंने काट लिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको करना है ये एक कटोरी में लेना है और फिर जाके जो है काला नमक इसको ग्राइंड कर लेना है, या फिर ना आप इसको कूट सकते हो। तो यहाँ पर ना मैं
कर रही हूँ चाकू के हेल्प से मैं कर रही हूँ, तो नाइफ़ के थ्रू ये हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने ले लिया है थोड़ा सा। उसके बाद क्या करना है, इसको ना पूरा मिक्स कर लेना है, मिक्स करके इसको सुखाना है धूप में, और उसके बाद इसको अपने पॉकेट में रखना है। जब भी आपको कुछ भी ऐसा खा पीने का मन करेगा तब आपको एक ये टुकड़ा मुँह में रखना है। दोस्तों आपने देखा ये वाला ना टिप्स आप जरूर फॉलो कीजिए, और ये नुस्खे बहुत ही ज्यादा फायदे देने वाला है। जब भी दिल करेगा ना कि आपको पीने का मन हो रहा है तो आप ना ये वाला चीज थोड़ा सा मुंह में, अदरक जो है मुंह में थोड़ा रख दीजिएगा थोड़ा टाइम के लिए। इस तरह से इसमें बहुत ज्यादा भरपूर मात्रा में ना सल्फर होने के कारण से आपका जो जितने भी खराब हैबिट्स जो है वो सारा छूट जाएगा। तो यही टॉपिक लेके आई थी आप सबके लिए। अगर आपको ना लगता है ये थोड़ा सा भी ना फायदा है तो प्लीज लाइक कीजिए मेरे वीडियो को। अगर आप चाहते हो कि ऐसा वाला वीडियो मैं हमेशा लेके आती रहूंगी तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके कीजिए, ताकि मेरा जो वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन गाइस, स्टे हेल्दी, गुड ब्लेस यू, बाय बाय।